कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से बिल्कुल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो वहाँ पर इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और जो काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे उनका भी मैं आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुवैत की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की। अभी पिछले 24 घंटे के अंदर 60 लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो वीजा का कारोबार करते थे कुवैत के अंदर, और जो उसमें कुवैती भी हैं और अदर देश के भी लोग हैं। तो अगर आप उसका कारोबार करते हैं, और उन लोगों को भी किया गया है जो उनके थ्रू बुलाए गए थे वहां पे, और उनके थ्रू बुलाने के बाद में जो है कहीं और इलीगल हो गए थे, वो वहां पे जाके काम कर रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और 60 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी अपडेट थी। और दूसरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लोग इलीगल हैं उनको ज़रूर देखना चाहिए, तो उनके हवाले से मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, ये अप्रैल का महीना पूरा 1 से लेकर 30 तक जो इलीगल लोग रहते हैं वहाँ पे, किसी भी देश से हैं आप, कोई से भी देश से हैं, तो आपको जो फ्री का मौका मिला हुआ है कि आप अपने देश फ्री में आ सकते हैं, और सारा जो खर्चा उठा रही है वो कुवैत गवर्नमेंट उठा रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को, भाइयों को क्वेश्चन था कि हम इंडिया से हैं, इंडिया वालों का टाइम ख़त्म हो गया, कि हाँ हम पाकिस्तान से हैं या हम नेपाल से हैं या हम बांग्लादेश से हैं, तो क्या हम अब जा सकते हैं या नहीं जा सकते परवानिया या जिले बलसोई में जाके अपना काम करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कोई सी भी कंट्री से हैं तो ये जो आपका 25 से 30 तक चलेगा, 26 से लेकर आज शुरू हो गया, आज से जो 30 तक चलेगा, आप किसी भी देश के हों, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या आपका जो कंट्री पीछे निकल गई जिनको आपको मौका दिया गया था, आप उस दौरान नहीं जा पाए, अगर आप जाते हैं अभी भी तब भी आपका काम हो जाएगा। ये काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, और अगर ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो भी प्रूफ है इंडिया का वो लेके जाइए, फॉर्म भरिए और जाने के बाद अपना काम कराइए। आपके लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि आपको दोबारा से मौका दिया गया है, जो आपका टाइम था वो भी निकलने के बाद में दोबारा से आप जाके अपना काम करा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं, और आपको पता है लगेज अगर आपके पास में ओरिजिनल आपका पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है, तो साथ साथ लगेज लेके जाइए। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है तो लगेज मत लेके जाइए। लगेज में आपको 20 किलो बैग लेके जाना, 7 किलो हैंड बैग लेके जाना, टोटल आपको 27 किलो वजन आपको साथ में लेके जाना है। और वैलिड पासपोर्ट वाले लेके जा सकते हैं, और जिनके पास में नहीं है वो खाली अपने पेपर लेके जाएगी। जब आपका काम हो जाएगा तो आपको उधर से कॉल आ जाएगा और आप फिर अपने देश के लिए सफर कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों को बताया जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को इसको आगे शेयर इतना कर दें जाके जितने भी लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं उन लोगों तक पहुंचे और वो फरवनिया और जिले बलसोग में जाकर अपना काम करा सकें। चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।